हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से प्रदेश भर के लिए 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने खास तौर पर हरियाणा के 22 जिलों में 938 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार हुए 392 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। तो वहीं 2684 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 679 प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। खासतौर पर अगर हम सोनीपत की बात करें तो सीएम ने 214 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद से दिल्ली आगरा और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे बहालगढ़ मोहाना रोड पीडब्ल्यूडी परियोजना की आधारशिला भी रखी। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित होने के प्रति अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर भी पहुंचना आसान होने वाला है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को सोनीपत जिले में 16 शिलान्यास और 26 उद्घाटन किए। इन विकास कार्यों पर 201 करोड़ रुपए खर्च दर्शाया गया है। सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।